एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हिंदुस्तान के टेलीविजन का इतिहास रचा गया। सोशल मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर साहब ने देश में ड्रग्स की बढ़ती हुई समस्या पर 1973 में बनाई फिल्म जलते बदन। फिल्म में रिलीज के पहले ही दिन पहले ही शो में दम तोड़ दिया। फिल्म में मैसेज तो था पर थिएटर में ऑडियंस बिल्कुल नहीं। सागर साहब जुनून की इंतहा थे, उन्होंने फिल्म को दोबारा बनाने का फैसला किया, यानी फिर से वही रिस्क। इस बार और भी बड़ा क्योंकि फिल्म का स्केल बढ़ा और मेन लीड में आए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। अपनी यूनिट लेकर सागर साहब पहुंचे यूरोप। ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस और नजारों को कैमरे में कैद करते हुए फाइनली यूनिट पहुंची फ्रांस में एल्प्स के पहाड़ों पर। शूट के दौरान आसपास के गांव में खबर फैली कि हिंदुस्तान से कुछ लोग आए हैं फिल्म बनाने। तो किसी गांव में एक फैमिली ने सागर साहब को डिनर का इनविटेशन दे डाला। सागर साहब पहुंचे, खाना पीना शुरू हुआ, एक दूसरे के कल्चर्स पे बातें हुई और खाने के बाद कोई एक बड़ा सा बक्सा लेके आया। जैसे ही बटन दबाया तो बक्से पर एक रंगीन फिल्म दिखाई दी। जाहिर है ये कलर टेलीविजन था जो सागर साहब ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। टीवी देखते ही सागर साहब के इमेजिनेशन ने उड़ान पकड़ ली। उन्हें अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। हिंदुस्तान के एक घर में पूरा परिवार बैठा एक साथ टीवी देख रहा है और टीवी पर क्या आ रहा है, रामानंद सागर को दिखाई दिए भगवान श्री राम। और बस उसी पल उन्होंने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके वो फिल्मों से टीवी की तरफ रुख करेंगे। आने वाले कल की ताकत देखने वाले इस विजनरी ने इसके ठीक 10 साल बाद बनाई रामायण। वो रामायण जिसके शुरू होते ही हिंदुस्तान की गलियां सूनी हो जाती थी, जिसने हिंदुस्तान में शायद सबसे ज्यादा टीवी सेट खरीदवाए, जिसने टीवी पर सीरियल्स की शुरुआत की, वो टीवी जो आज एंटरटेनमेंट का भीष्म पितामह बन चुका है। इस तरह चरस से पैदा हुआ इंडियन टेलीविजन और चरस ने हिट होकर सही प्रूव किया रामानंद सागर का विजन। वैसे भी कहते हैं ना, हो ही सोई जो राम रची राखा। इस किस्से को लेकर अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए मैक्स टू के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।